इसी कैटरपिलर को हम सिल्क वॉर्म भी कहते हैं, सिल्क वॉर्म। सो द एग्स हैचेस इनटू लार्वा व्हिच इज कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म। नाउ जो लोग सेरिकल्चर फॉलो करते हैं, जो लोग इनका पालन पोषण करते हैं, वो क्या करते हैं, लार्वा को मलबरी लीव्स में, मलबरी एक पेड़ का एक नाम है, उन मलबरी लीव्स में छोड़ देते हैं लार्वा को लगभग 30 से 35 दिनों के लिए। तो ये लार्वा क्या करते हैं, उन मलबरी लीव्स को खाते हैं 30 दिनों तक, ये कॉन्टिन्यूसली उन पत्तियों को खाते रहेंगे खाते रहेंगे। और एक टाइम ऐसा आता है 30 से 35 दिनों के बीच में कि ये लोग, ये जो लार्वा होते हैं, ये पत्तियों को खाना बंद कर देते हैं। तब क्या करते हैं, लार्वा अपने आप को एक ट्विग के साथ, ट्विग मतलब की एक छोटी सी डाली पेड़ की, उसके साथ अपने आप को ऐसे बांध लेते हैं। ये डाली होगी, ट्विग होगी, ये लार्वा होगा। तो लार्वा अपने आप को एक ट्विग के साथ बांध लेगा और उसके बाद अपने शरीर को इस तरीके से स्पिन करता है। तो जब लार्वा अपने शरीर को एक ट्विग के साथ बांध लेता है और स्पिन करना शुरू करता है, तो वो स्पिन करते करते प्रोटीन रिलीज करता है। जैसे हम हमारे माउथ में क्या रिलीज होता है, सलाइवा सीक्रेट होता है, लार कहते हैं जिसे, हम इसे खाना देखते हमारे मुंह में पानी आ जाता है, ऐसे ही ये लार्वा क्या करता है, अपने आप को घुमाते समय एक प्रोटीन रिलीज करता है। और वो प्रोटीन जैसे ही हवा के कॉन्टेक्ट में आता है, वो हार्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, हार्ड। The protein hardens when it comes in contact with air. जैसे जैसे ये स्पिन करता रहेगा, एक मोटी सी लेयर इसके चारों तरफ बनती रहेगी। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि जो बाहर की लेयर होती है, जो एक कवरिंग बना देता है, वो एक छोटी सी कॉटन बॉल जैसी होती है, जैसे आपने रुई का एक छोटा सा टुकड़ा लिया ऐसी आपको दिखेगी। तो हम इस बाहर वाली कवरिंग को, जो बाहर वाली कवरिंग है, पूरी जो कवरिंग है, इसे हम कहते हैं क्या, कुकून। और अब हमारा लार्वा कहाँ गया, लार्वा जो है वो इस कुकून के अंदर है। और इसी अंदर वाले डेवलप लार्वा को हम क्या कहते हैं, प्यूपा। द डेवलप स्टेज आफ्टर द लार्वा इज कॉल्ड प्यूपा। तो अगर हम प्यूपा को ना छेड़े, छेड़े क्यों ना, वो आगे डिस्कस करेंगे। अगर हम को छेड़े ना, तो ये प्यूपा इट एंड्स विद अ अडल्ट सिल्क मॉथ। द अडल्ट वन इज कॉल्ड सिल्क मॉथ। सी द डिफरेंस बिटवीन सिल्क मॉथ एंड सिल्क वॉर्म। सो हियर इज अ मिस्टेक, वी कांट राइट द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म। व्हाट वी शुड राइट, द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ। रिमेंबर दिस। तो अभी मैंने क्या बोला, अगर हम इस प्यूपा को ना छेड़ें, हम क्या करते हैं, हम इस प्यूपा को फिक्स करके या तो इसे सनलाइट देते हैं या इसे बॉइल करते हैं। या तो इसे सनलाइट देंगे या इसे बॉइल करेंगे। और जैसे ही इसको सनलाइट या बॉइल करते हैं, इसके जो बाहर का आउटर कवरिंग कोकून होता है, जो फाइबर इसने रिलीज किया है, वो धीरे धीरे ढीला होता जाता है और इससे हमें मिलता है सिल्क फाइबर। तो यहाँ से हम सिल्क फैब्रिक्स बनाते हैं, जो कि आपको मार्केट्स में साइज, कुर्ता, दुपट्टा, शर्ट्स, इन सब के वैरायटी आपको देखने को